जिंदा नहीं रहना चाहते। इस आदमी ने हमारे जिंदगी के अंदर रखा है। अरे पुलिस जमा कर लेगी, नहीं बता रहे सरला। अरे छोड़ सरला, कर रही है जिंदा नहीं रहने देंगे। कैसे इंसान हो तुम? छोड़ दे इसको, हटो तुम यहाँ से। अरे दामाद है हमारे घर के। अरे दामाद कैसा, ऐसे दामाद होने से तो ना होता तो बेहतर था। तो शुरुआत है भाई साहब, देखना एक दिन आएगा जब आपकी बहन और उसके बच्चे इस घर को जला डालेंगे और फिर भी आप हमें ही दोष देने आना। चल सला, सामान बांध, तू शांति सदन चलेगी, वहीं रहेगी। रामा हम आप कैसे जा सकते हैं, हमारा घर है, इसको छोड़ के कैसे जाएंगे? सरला, जब तक ये सारा का सारा मामला सुलट नहीं जाता है, तू हमारे साथ वहीं रहेगी शांति सदन में। चल चल भैया। लेकिन भैया भैया हम कैसे जा सकते हैं? हैं? क्या हुआ? दरवाजा बंद करने की सोच रही थी क्या? कौन से बात करनी है? तीसरा मिल गवा का गवार कहेगी हम किसी से भी बात करें। तुम्हें क्या, मम्मी ने वैसे भी तुम्हें यहाँ बैठने को बोला है, तितली की तरह मंडरा क्यों रही हो? वैसे ये बात तो तुमने एकदम सही कही, एक यहाँ फिल्म चल रही है और एक बाहर फिल्म चल रही है। अब बार बार मौका नहीं मिलता ना कि दोनों फिल्में हम एक साथ देखें, इसीलिए। ये रिया कहाँ है? सर रिया मैडम तो अभी तक आ गई। गुड मॉर्निंग रिया जी। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या ऑफिस आने का टाइम कुछ बदल गया? सर वो दादी जी की तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। तुम लड़कियों के साथ में यही प्रॉब्लम है। सर मैं सच बोल रही हूँ, दादी जी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं लेट हो गई। दादी मतलब आपकी दादी सर, राइट? जी। कमाल है ना, जिसकी दादी की तबीयत खराब है वो ऑफिस टाइम पे आया और फील्ड पे भी चला गया। आपको क्या लगता है रिया जी, आप 12 बजे ऑफिस में आएंगे और आपको सैलरी भी पूरी मिलेगी? ये प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, रिजल्ट देने होते हैं। सर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हम कितनी बार ओवरटाइम करते हैं, तो क्या हम उस ओवरटाइम का रेन्यूमरेशन मांगते हैं आपसे? आपके कहने का मतलब क्या है? ये मेरा ऑफिस है रिया जी, कोई सराय नहीं कि जो भी चाहे जब भी चाहे उठ के चलाए। सर मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जनरली लेट नहीं आती। आप मुझे कोई काम दो और वो टास्क मैं पूरा ना कर सकूं तो आपको जो बोलना है मुझे बोलो। फॉर श्योर रिया जी, अब मैं आपको टास्क दूंगा, अभी दूंगा और इसी वक्त दूंगा। दिमाग से हमारी बात सुनो, वो बड़े भाई साहब से जाकर वो जो बड़े साहब हैं वहाँ आप लोगों के दफ्तर में मांग लो ना माफी। अरे रोटी रोजी का सवाल है, क्या करोगे? अभी हम सब समझते हैं, लेकिन आज तक हमने क्या किसी बात पे जिद की है? आज अगर हम जिद कर रहे हैं तो हमारी बात का वजन समझो। तो समझाइए ना, कहाँ है ये सब? अरे कैसे समझाए मामी जी, ये घर में कौन सच्चाई समझने को तैयार ही नहीं है। मामी जी तुम इन मामलों में मत पड़ो, तुम अंदर जाओ, जाओ। जी पापा जी। सो भाई साहब, देखो वो भी गुस्से में, आप भी गुस्से में। मैं कह रहे हैं कि समझो बात को। अरे जब हम सच कह रहे हैं तो क्या समझे, हमारी बात कोई नहीं समझता यहाँ पर। इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, अमित कहाँ है? अमित कहाँ है, बुलाइए उसे। नहीं आएगा वो। चल बे पत्ते बांट ले, चल 420 बांटो। तो कुछ पानी वानी पिलवा दो यार। हाँ भाई हमको भी पानी पिला दो यार, सुबह से मुगल सराय नपवा दियो पूरा।
भाई 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 हमारी बात तो सुनो भाई, हमारी नियत साफ थी भाई, किस्मत ही खराब चल रही है, क्या बताया आपको भाई, समझा करो, एक मौका और दे दे। हजारों मौके दे चुके तुम्हें हम, हजारों बार तुम हमें चूना लगा चुके हो। हम क्या करें यार, हमारी क्या गलती इसमें भाई, अब हमारी खुद हमारी पत्नी ने हमको धोखा दिया है यार, हमें नकली गहने टिका दिए उसने, हमको नहीं पता यार, हमारी मम्मी जो है नकली गहने पहन के घूमती है, हमको नहीं पता यार, अब नहीं पता हमको, हमारे साथ खुद धोखा हुआ है भाई। इसका मतलब है कि तुम्हारे खून में ही धोखा है, पूरा का पूरा खानदान ही धोखे बाद में। तुमने ना हमारा दिमाग खराब करके रखा है, अबे जितना तुम्हें पैसा नहीं दिया ना उससे ज्यादा का पेट्रोल फूक चुके हम, क्या बोले थे हमका लफंटर, खाली बैठे हम यहां पर, मूड खराब कर दिया, खेलो यार, आ रहे हम, हटो, स्मेल किया था, हट, दैट हाँ। तो रिया जी, ये 20 क्लाइंट्स की लिस्ट है, इनमें से आपको कम से कम 5 क्रैक करने हैं, फोन करो, मिलो, ऑर्डर दो, और ये ऑर्डर्स आपको आज ही पूरे करने हैं, नहीं तो कल अपना रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार रहना। सी यू टुमारो। तू पागल है, कैसे बोल दिया तूने यार, कैसे करेगी? अरे रिलैक्स यार बंटी, 20 क्लाइंट्स की लिस्ट है, फील्ड पे जाऊंगी तो इनमें से 5 तो कन्वर्ट हो ही जाएंगे। इतना आसान नहीं है रिया। बंटी रिलैक्स कर, हो जाएंगे, मैं जानती हूँ मैं कर लूंगी, टेंशन मत ले, करो। भैया हमारी बात तो सुनो, हम यही रहना चाहते हैं। जो कह चुके हैं कह चुके हैं बस। अरे भैया का घर बदल लेने से किस्मत बदल जाएगी का, अम्मा समझाओ ना भैया को। का समझाए, तेरा भाई जो कर रहा है सही कर रहा है। अरे अम्मा लेकिन हम इतने साल इतनी जिंदगी इस घर में गुजारे, इस घर को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अब हम सास बन गए, हमारी जिम्मेदारी कि हम सारे घर को समेट के एक साथ बांध के रखें। हमने अम्मा से यही सीखा है ना तुमसे। अब बताओ हमने अम्मा से जो जिंदगी भर सीखा है वो भूल जाएगा, भूल जाए? भाभी क्या हो गया, क्या हुआ भाभी, बोल क्या हुआ, तुम समझाओ ना भैया, इन्हें अपने साथ ले जाओ ना भैया, अगर तुम हमसे प्यार करते हो ना तो प्लीज इस समय यहाँ से चले जाओ, देखो वो जैसे भी है हमारे पति हैं। पगले क्या हुए का? नहीं हम सच कह रहे हैं, अपना पत्नी धर्म निभाना तो हमारा फर्ज है। क्या बात कर रही है? नहीं सही कह रही है जीजी, सही कह रही हो, चलिए आप। भैया देखो हम तुम्हारी बहन है, हम परिस्थितियों से लड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने घर को संभाल के रखेंगे, हम पर भरोसा करो। भरोसा तो करना ही पड़ेगा हैं? उनको पता है उनको क्या करना है, उनकी गृहस्थी है ये। अम्मा समझा उसको। तू है ना अपना पैर सर मत बड़ा, चल अब वैसे ही बेचारी बड़ी तकलीफ में है, ठीक है तू एक काम कर, तू घर चला जा, कुछ घर लेके जा रखवा को, भरोसा कर हम पे। क्या बात कर रही हो, भरोसा करे तुम पर? दिमाग खराब है उनका, दिमाग वहां तिल मिलाए हुए है, बात और बिगड़ जाएगी, कह रहे समझिए ना बात को। हम पर भरोसा कर, हम सब संभाल लेंगे, हम थोड़ी देर रुकते हैं, सरला से बात करते हैं, हैं? जा 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 जा, टेंशन मत ले। बच्चे नहीं हम। अच्छा ठीक है। सर लेकिन आप मेरी, सर हेलो बोला था ना मैंने इतना इजी नहीं है, लेकिन हमारी झांसी की रानी किसी की सुनती थोड़ी ना है। आई नो इतना इजी नहीं है, लेकिन हर तरह से डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं मिलता ना।
आई एम श्योर मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। चल मैं अभी फील्ड विजिट के लिए जाती हूँ, टारगेट्स पूरे करती हूँ, खुद से आराम से मिलती हूँ। ओके बाय। मम्मी जल्दी करना मुझे लेट हो रहा है। हाँ बस हो गया। यार इस सूट को भी अभी धोना था। मम्मी अगर लेट होगा तो रहने दे, मैं कुछ और पहन लूंगी। नहीं रुको ना जी, हो गया, बहुत सुंदर सा बन जाएगा। बंटी रिया नहीं दिखाई दे रही मुझे। तुम्हें फोन नहीं आया क्या उसका? नहीं उसका फोन तो नहीं आया, लेकिन जब मैंने किया तो उसने उठाया भी नहीं। वैसे ऑफिस तो नहीं आ रही थी आज, लेकिन जब निम्मी को कॉल किया तो वो बोल रही थी कि वो ऑफिस के लिए निकली है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही मुझे। हाँ वो फील्ड पे गई है। फील्ड पे? हम सब तो अभी फील्ड से आ रहे हैं ना, तो वो इस वक्त क्या करने गई है? वो ये वो क्या कर रही हो तुम? नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो ना यार। तुम रिया को मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया। तुमने वैसे भी अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं, तो प्लीज कुछ तो बताओ। वो एक्चुअली आज रिया ऑफिस लेट आई थी तो बॉस से उसका थोड़ा झगड़ा हो गया। क्या? हाँ, और गुस्से में बॉस ने उसे 5 मीटिंग्स फिक्स करने को बोला, और ये भी बोला कि ऑर्डर्स लेकर आए, और अगर ऑर्डर्स नहीं आए तो रिया को रिजाइन करना पड़ेगा। अरे यार ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? मैं बात करता हूँ एक सेकंड। शिवम प्लीज तुम रिया को आ जाने दो, फिर देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिवम। ये देखो। हाँ ये मेरा सूट है। हाँ देखना आप कितनी सुंदर लगोगी दी। हाँ अगर मोहित मेरा आपसे कहे ना कि ये क्या पहना तो बोलना नमितास पहना। हाँ बाबा बोल दूंगी। मोहित मेरा तो आपको देखता ही रह जाएगा सच में। सच? हाँ चेहरा कैसे लाल हो गया शर्म के मारे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। शिवम ये क्या बदतमीजी है? सर मैं भी वही पूछने आया कि क्या बदतमीजी है ये? शिवम इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। मेरी वाइफ के साथ इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हैं? हम यहाँ नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ बदतमीजी से बात करेंगे और हम टॉलरेट करते रहेंगे। देखिए सर ड्यूटी आर्स नाम की भी एक चीज होती है, आप ओवर टाइम के लिए कैसे पूछ सकते हैं उससे? देखो शिवम मैंने ओवर टाइम करने के लिए नहीं कहा, और फिर अगर नहीं करना था तो रिया खुद कह सकती थी। शिवम रिया बच्ची नहीं है, और इस तरह का बिहेवियर अगर आइंदा तुमने दिखाया तो तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। कल मिलते हैं। शिवम प्लीज रिलैक्स, तुमने बोल दिया ना जो बोलना था, अब शांत हो जाओ। अरे आजकल के जमाने में ऐसी पतिव्रता कुल वधू नहीं मिल सका दामाद बाबू। अपने भाई का महल जैसा घर छोड़ के इस डिबिया में रहने के लिए तैयार है काहे? है जवाब? बहुत बड़ी नौटंकी है अम्मा और बिटिया। हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है अम्मा, जब से इस घर में आए हैं बस खाक छान रहे हैं। तू चुप रह सरला। अरे दामाद बाबू हमारी बिटिया को सुख नहीं दे सकते तो दुख तो मत दो। पापा जी। अरे अन्या या तुम काम नहीं का है? दिन भर बातें इधर उधर सरकाती फिरेगी का? तू तो इसमें बहाना बंद कर। अच्छा हाँ मम्मी जी ना रोइए, देखिए ना हमारे भी आंख भर आई है, रोने वाले हैं बस हम भी। नानी जी मम्मी जी के लिए पानी लेके आते हैं। हाँ बस शांत हो जाओ, अब हमसे देखा नहीं जाता, बस शांत हो जाओ। सर ये हमारी कंपनी का शैम्पू है, इससे सिर्फ आपके बाल काले और घने नहीं होते बल्कि आपके बालों का डैंड्रफ एकदम चला जाता है। और इसकी खास बात पता है क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये 100% आयुर्वेदिक है, तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट होगा ही नहीं।
अरे नहीं चाहिए ना मैडम, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? सर एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। अरे नहीं चाहिए। उस बॉस के बच्चे को क्या लगता है कि एक दिन मैं लेट आऊंगी तो वो मुझे पनिश करेगा? अब टारगेट पूरा करके मैं उसे पक्का करारा जवाब देती हूँ। हाँ शिवम। अरे यार कहाँ पर हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा मैं। शिवम मैं एमजी रोड वाली मार्केट में हूँ, तुम ऑफिस पहुँच गए क्या? हाँ अभी ऑफिस पहुंचा मैं फील्ड वर्क से। अच्छा सुनो, तुम अपना काम खत्म कर लो और अगर जरूरत हो तो बता देना मुझे, ठीक है? मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ मेरी टेंशन मत लो, मैं अच्छे से घर पहुंच जाऊंगी, तुम भी घर आ जाना। हाँ ठीक है, या बाय। अच्छा सुनो, मुझे वो लिस्ट मिल सकती है क्या जो बॉस ने रिया को दी है? तुम क्या करने वाले हो? अरे जाके हेल्प करूंगा उसकी, फील्ड पे अकेली घूम रही है। जरूर मिलेगी जीजा जी, लेकिन एक शर्त। मुझे मालूम है तेरी शर्त, नहीं बताऊंगा उसे मैं कि तूने मुझे लिस्ट दी, और ये भी नहीं बताऊंगा कि बॉस और उसकी तू तू मैं हुई है। थैंक यू। थैंक यू। वाओ आप कितनी सुंदर लग रही हो। सच? हाँ बहुत ज्यादा। देखना मोहित मेरे से आपको देख के फ्लैट हो जाएगा। प्रीति जी, विल यू मैरी मी? पागल। अरे क्या हुआ, पर्स तो भूल ही गई। चेहरे का रंग बदल गया सच में। मैं पैसे ही बहुत ना हो सुनी। अभी मैं भी चलूँ आपके साथ? क्यों, तू क्यों चलेगी? क्योंकि आपके चेहरे का पसीना देख के बता रहा है कि आप बाज आके कुछ नहीं बोल सकती। निम्मी, मैं तो भूल ही गई थी कि नर्वसनेस में मेरी आवाज पे तो ब्रेक लग जाते। हाँ निम्मी प्लीज मेरे साथ चल, जल्दी से रेडी हो जाना। मेरी बोली मेरी प्यारी सीधी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अब जाओ, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है कि इस घर में रहना, क्योंकि अगर ये शशिकला को पता चल गया ना कि मैं घर में नहीं हूँ तो वो तो मुझे दुनिया से ही गायब कर देगी। और आज वैसे भी मेरा दिमाग ना फुल ऑन स्पीड में चल रहा है। एक तरफ ये सोच रही हूँ कि बुआ के घर क्या चल रहा होगा और दूसरी तरफ ये कि मोहित मेरा आपके बारे में क्या कहेगा। देखो 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 दुल्हन की तरह शरमा रही हो आप तो। ओफो, अब क्या हुआ? फोन भूल गई। संभल के जाना। हाँ अब क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही और याद से बोला कि नमितास पहना है मैंने। हाँ हाँ बोल दूँगी। बाय बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।